सो ये जो पेपर हमारे पास है इसमें से कुछ ऑप्शन लगी हुई है, इसमें कुछ गलत है और कुछ है भी नहीं, तो ये हम आपको इसकी करेक्ट ऑप्शन भी बताएंगे और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर पास है द नर्सिंग प्रोसेस इज़ यूटिलाइज टू डैश। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू मीटिंग द क्लाइंट नीड। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नाउन टू हैव अ रोल इन वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग में हमारे पास जो विटामिन इस्तेमाल होता है उसे हम विटामिन सी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा माइट इंक्लूड। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या आता है? सो ये इन एवलुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा है, बाकी सारे हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर सबक्यूटेनियस रूट इज एन एप्रोप्रिएट रूट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। सो सबक्यूटेनियस रूट हम इंसुलिन लगाने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन फाइव अ पेशेंट आस्क यू व्हाट विटामिन इज बेस्ट फॉर आई साइट। इज अ नर्स यू रिस्पॉन्स मस्ट बी इज डैश। सो आई साइट के लिए हमारे पास जो विटामिन यूज होता है वो हमारे पास है विटामिन ए। सो सी इज द सॉरी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स गोल सेटिंग अकर ड्यूरिंग विच पेस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। जो नर्सिंग प्रोसेस में हम गोल बनाते हैं वो हमारे पास जो स्टेप होता है उसे हम प्लानिंग कहते हैं। सो हमारे पास सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेवन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्लेबाइटिस एक्सेप्ट डैश। सो ये सारे हमारे पास फ्लेबाइटिस के सिम्टम है, एक के अलावा वो हमारे पास है ऑप्शन डी प्रैंक ब्लीडिंग एट द इंसर्शन साइट। क्वेश्चन एट एन इन्फेक्टेड पेशेंट हैज चिल एंड बिगिन शिवरिंग द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन इज टू डैश। अगर एक इन्फेक्टेड पेशेंट को चिल्स एंड शिवरिंग हो तो उसको जो हम इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे उस पर हमारे पास है प्रोवाइड एडिशनल बेड क्लॉथ। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नाइन डार्क रेड ब्लैक और टेरी कलर स्टूल इंडिकेट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है ऑप्शन ए अपर जी आई ब्लीडिंग। क्वेश्चन टेन इन विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस शुड द नर्स आस्क अ पेशेंट इफ द मेडिकेशन शी एडमिनिस्टर रिलीव हिज पेन। सो हम जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उसका रिजल्ट देखने के लिए हम किस स्टेप में उसका रिजल्ट देखते हैं कि उस जो हम गोल हमने बनाया था वो अचीव हुआ है या नहीं, तो हमारे पास है एवोल्यूएशन। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 11 आफ्टर क्लाइंट असेसमेंट द नर्स सस्पेक्ट्स हाइपोक्सीमिया दिस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम। मतलब एक क्लाइंट आया उसका नर्स ने असेसमेंट किया और नर्स ने कहा कि इसे हाइपोक्सीमिया है एक सिम्टम के बेस पे, तो सिम्टम हमारे पास क्या हो सकता है? तो सिम्टम हमारे पास हो सकता है रेस्टलेसनेस, क्योंकि हमारे पास जो हाइपोक्सीमिया है उसमें ट्रेकीकार्डिया होता है और उसमें ब्रिडिपनिया नहीं होता, ट्रेकेपनिया होता है, और जो हाइपोटेंशन है वो हमारे पास लेट साइन होता है। सो फर्स्ट जो सिम्टम आता है वो हमारे पास आता है रेस्टलेसनेस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। क्वेश्चन 12 PRN is a term which is used in medication administration. This PRN refers as PRN का medication administration में मतलब क्या होता है? उसका जो मतलब है वो है when necessary. So हमारे पास जो B option है वो is correct option है। वैसे PRN का मतलब है prorenatal, और medication administration में जब डॉक्टर ये लिख लेता है तो इसका मतलब होता है when necessary. क्वेश्चन नंबर 13 नर्स पीटर इज मेकिंग एन एन सी पी फॉर हिज पेशेंट आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डेटा ही नोज डेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सब्जेक्टिव डेटा एक्सेप्ट। इसमें हमारे पास सारे सब्जेक्टिव डेटा है एक के अलावा। सो पेन सब्जेक्टिव डेटा होता है, एनजाइटी भी, हेडेक भी, जो ब्लू नेल होते हैं जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा है। क्वेश्चन 14 इन्यूरेसिस इज डिफाइंड एज इन्यूरेसिस किसे कहते हैं? सो इन्यूरेसिस हम इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन एट नाइट को कहते हैं। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 15 ए पल्स रेट लोअर देन 60 इज टर्म इज। जब पल्स रेट 60 से कम हो तो उसे हम कहते हैं ब्रेडीकार्डिया, और जब 100 से ज़्यादा हो तो उसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ब्रेडीकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 16 इन इरिवर्सिबल अल्टरेशन इन नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लीड्स टू
विच टाइप्स ऑफ इलनेस, जिस इलनेस में बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाए उस इलनेस को हम क्रॉनिक इलनेस कहते हैं। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, द इनएबिलिटी ऑफ द इनर स्फिंक्टर टू कंट्रोल द डिस्चार्ज ऑफ फीसेस इज नोन एज, ये हमारे पास इनकॉन्टिनेंस की डिफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉनिक इलनेस, इसमें से क्रॉनिक इलनेस कौन सा है। सो अस्थमा इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉनिक इलनेस, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, टीनाटोलॉजी इज द नॉमिनल स्टडी ऑफ, टीनाटोलॉजी हमारे पास डेथ एंड डाइंग प्रोसेस के स्टडी को कहते हैं, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, अ पर्सन सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ बीइंग अनहेल्थी इज टर्म इज, सो ये हमारे पास इलनेस की डिफिनेशन है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, द डिजीज हैविंग प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन एंड ग्रेजुअल साइंस एंड सिम्टम आर नाउन इज, वो बीमारी जिसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो, जिसकी साइंस सिम्टम आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद शो हो, तो उसे हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज। सो हमारे पास जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्रॉनिक डिजीज। क्वेश्चन नंबर 22, विरूमिट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रीप विच इज रिलेटेड टू डैश, सो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है बी, लॉस ऑफ ह्यूमन बीइंग और डेथ, इसको हम विरूमिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नर्स इन चार्ज आइडेंटिफाई अ पेशेंट रिस्पॉन्सिस टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, सो ये हम डायग्नोसिस के स्टेप में करते हैं, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज नोन एज ए लेडी ऑफ लेम इन नर्सिंग हिस्ट्री, सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी ऑफ लेम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर डेट प्रिवेंट्स क्रॉस कंटेमिनेशन एंड इन्फेक्शंस, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है हैंड वॉशिंग, इस ये हमारे पास क्रॉस कंटेमिनेशन से और इन्फेक्शन से हमें बचाता है। क्वेश्चन नंबर 26, द बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर क्लाइंट विद COPD यूजेस, COPD मीन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वेंचोरी मास्क, क्योंकि इसकी जो फ्लो होती है वो 2 to 3 लीटर पर मिनट होती है, और अगर हमारे पास ये ना हो तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास कैनोला आता है। सो जिस पेशेंट को COPD हो तो उसके लिए हम जो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं तो इंजरी मास्क उधर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द डिश, मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट, सो प्रोटीन की डाइजेशन हमारे पास स्टमक में स्टार्ट होती है, स्टमक में एक एंजाइम है पेप्सिन जो प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है, सो स्टमक में हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 29, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इज व्हाट वी कॉल्ड, सो हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन को हम अमीनो एसिड कहते हैं, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, माइक्रो न्यूट्रिएंट आर दोज न्यूट्रिएंट नीडेड बाय द बॉडी इन अ वेरी माइन्यूट अमाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है आयरन, आयरन हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, बाकी पोटाशियम कैल्शियम एंड सोडियम हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। क्वेश्चन नंबर 31, मास ऑफ हार्डन पीसेस इन रेक्टम रिकॉग्नाइज बाय सीपेज इज नोन एज, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है पीकल इंफेक्शन, सो हमारे पास सी इज द करेक्ट ऑप्शन, पीकल इंफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड एज डैश, सो प्रोटीन हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, डैश इज द सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस इनटू द रेक्टम इन लार्ज इंटेस्टाइन फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग पीसेस, सो हम जो रेक्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं पीसेस को रिमूव करने के लिए उसे हम कहते हैं इनीमा, सो बी इज द करेक्ट
ऑप्शन। सो ये हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है जो हम रेक्टम में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इसकी वजह से जो पीसेस होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और वो इजीली रिमूव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, पेनफुल यूरिनेशन इज नाउन एज, पेनफुल यूरिनेशन को हम डिस यूरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पीनियल ग्लैंड सीक्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। सो पीनियल ग्लैंड हमारे पास मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करवाता है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा शुड द नर्स वैलिडेट, नर्स कौन सा डेटा डबल चेक करेगा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है सी, द क्लाइंट सेज आई फील लाइक माई ब्लड शुगर इज हाई। ये हमें क्लाइंट ने सब्जेक्टिव डेटा बताया, अब हम इसे डबल चेक करेंगे, इसका ग्लूकोज चेक करेंगे कि इसका ग्लूकोज सच में हाई है या नहीं है। तो ये जो सी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37, मिस नजमा हैविंग ए टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर स्टेटेड डेट गॉड लेट मी लिव स्टिल द कंप्लीशन ऑफ माई डॉटर एजुकेशन एंड हर मैरिज, व्हाट स्टेज दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू कोबलर रॉस। सो कोबलर रॉस के मुताबिक ये हमारे पास बारगेनिंग स्टेज है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, अ क्लाइंट हैज बीन डायग्नोस्ड विद अ टर्मिनल कैंसर ऑफ द लिवर एंड इज रिसीविंग कीमोथेरेपी ऑन अ मेडिकल यूनिट, इन एन इन डेप्थ कन्वर्सेशन विद द नर्स द क्लाइंट स्टेट्स आई वॉन्डर वाई दिस हैपन टू मी, विच स्टेज इज दिस एसोसिएटेड विद। सो ये हमारे पास डिनाइल स्टेज में आता है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 39, द रिडक्शन इन बॉडी टेम्परेचर फॉलोइंग डेथ इज टर्म इज, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास अल्गर मोर्टिस। क्वेश्चन नंबर 40, अलार्म रेजिस्टेंस एंड एक्सॉशन आर कंसेप्ट रिलेटेड टू डैश, सो ये हमारे पास सारे रिलेट करते हैं जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम के साथ, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, विटामिन सी इज क्लासीफाई एज, सो विटामिन सी हमारे पास वाटर सोलेबल विटामिन होता है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 42, अ पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन इन द लेफ्ट फुट, अपॉन असेसमेंट नर्स केम टू नो दैट ही हैज नो लेफ्ट फुट एज एम्पूटेशन हैज बीन डन, द नर्स अंडरस्टैंड दैट पेशेंट हैज। अगर एक क्लाइंट को पेन हो रहा हो उस जगह में जो उसके साथ ना हो, मतलब उसे लेफ्ट फुट में पेन हो रहा है और वो लेफ्ट फुट की एम्पूटेशन हुई है, उसे वो काट दिया गया है, उसके साथ वो फुट नहीं है, तो उस पेन को हम कहते हैं पेंटम पेन, सो हमारे पास सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, अ पेशेंट स्टेट्स दैट ही हैज डिफिकल्टी स्लीपिंग इन द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ नॉइस, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इन अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। सो इसके लिए जो नर्सिंग एक्शन अप्रोप्रिएट होता है वो हमारे पास है क्लोज द पेशेंट डोर फ्रॉम 9 PM टू 7 AM, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, द रिनाउंड गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन वाज प्रपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरिस्ट, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मिल्ज़िक, ये मिल्ज़िक ने पेश की थी। क्वेश्चन नंबर 45, डिस्पिरेनिया इज डिफाइंड एज डैश, सो डिस्पिरेनिया हम पेनफुल इंटरकोर्स को कहते हैं, सो इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 46, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन डैश ड्यूरिंग स्ट्रेस, सो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन डिक्रीज होते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेस, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पेन किलर फाउंड इन आवर बॉडीज, सो बॉडी में जो नेचुरल पेन किलर होता है उसे हम एंडोरफिन कहते हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 48, अ पेशेंट हु रिस्पॉन्स टू बैड न्यूज कंसर्निंग हिज लैब रिपोर्ट बाय क्राइंग अनकंट्रोलेबली इज हैंडलिंग स्ट्रेस बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, सो स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए जो मैकेनिज्म हम यूज करते हैं वो हमारे पास है कॉपिंग मैकेनिज्म, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, डिफाइनिंग स्ट्रेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट, स्ट्रेस को ये सारे जो ऑप्शन है ये हमारे पास स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं, ये सारे उसकी कैरेक्टरिस्टिक है एक के अलावा, वो हमारे पास है ऑप्शन सी, स्ट्रेस ऑलवेज रिजल्ट
टू अ फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस, ये हमारे पास स्ट्रेस की करेक्टरिस्टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, अ 28 मंथ चाइल्ड ओल्ड चाइल्ड विथ सिवियर डायरिया इज एडमिटेड अपॉन असेसमेंट द चाइल्ड इज फ्यूरिश हैज ड्राई लिप्स एंड इरिटेबल, व्हाट इज योर फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी अपॉन एडमिशन। सो हमारे पास जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो हमारे पास होगी असेसिंग द हाइड्रेशन स्टेटस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, स्लीप वॉकिंग इज एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द स्लीपिंग डिसऑर्डर। सो स्लीप वॉकिंग हमारे पास पैरासोमनिया का डिसऑर्डर है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, लॉस ऑफ यूरिन ऑफ लेस देन 50 सीसी अकरिंग विद इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इज। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन टू बी एंटर इन द क्लाइंट्स मेडिकल रिकॉर्ड। इनमें से हमारे पास जो सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है वो है पेन इंटेंसिटी 8 out of 10, पेन जहाँ पर भी आए ये हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा होता है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54, द इम्प्लीमेंटेशन इन विच पेस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। सो हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन है ये फोर्थ पेस होता है, पहले जो होता है वो असेसमेंट, फिर डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में इवेल्युएशन आता है। क्वेश्चन नंबर 55, हाइपोथर्मिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस। सो हाइपोथर्मिया हमारे पास एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर ऑफ डेटा बिलोंग्स टू मेज़लो हायरार्की ऑफ नीड्स। सो लो इन बिलोंगिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिजियोलॉजिकल नीड, ये सारे हमारे पास मेज़लो हायरार्की ऑफ नीड्स में आते हैं, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज डिफाइन इज मेंटल सेल्फ इमेज ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ वन पर्सनालिटी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है सेल्फ कंसेप्ट, ये सेल्फ कंसेप्ट की डिफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 58, अ स्टेट ऑफ द माइंड विच रिगार्ड्स अ थिंग टू बी ट्रू इज टर्म इज। सो ये हमारे पास बिलीव की डिफिनीशन है, सो इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, एथियस इज अ पर्सन हु डे, एथियस वो पर्सन होता है जो गॉड पे बिलीव नहीं करता, सो इज द करेक्ट ऑप्शन, डोंट बिलीव इन गॉड। क्वेश्चन नंबर 60, अचीवमेंट एंड पर्सनल सक्सेस रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। सो अचीवमेंट और पर्सनल सक्सेस हमारे पास मोटिवेशन वैल्यू को रिफ्लेक्ट करती है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61, द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इन मेकिंग ओन डिसीजन बाय द पेशेंट इज टर्म इज। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑटोनमी, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेशेंट डेटा बेस, इट इज कंसिडर्ड टू बी। सो ब्लड प्रेशर हमारे पास हम कंसिडर करते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा को, ऑब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ऑब्जेक्टिव डेटा। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज बेस्ट यूज फॉर सेंसिटिविटी टेस्ट लाइक ट्यूबरकुलिन एंड एलर्जी टेस्ट। सो जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है ये हमारे पास टीबी के लिए होता है, सो ट्यूबरकुलिन और एलर्जी टेस्ट के लिए जो बेस्ट रूट होता है वो हमारे पास है इंट्राडर्मल, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस रिफ्लेक्टेड अ पेशेंट टू बी असेस फॉर हाइट एंड वेट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, अकॉर्डिंग टू द मेज़लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स द हाईएस्ट लेवल इज। सो मेज़लो हायरार्की नीड्स के मुताबिक ह्यूमन की जो हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है वो हमारे पास है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66, एन इंस्ट्रूमेंट प्लेस अगेंस्ट अ पेशेंट चेस्ट टू हेयर बोथ लंग एंड हर्ट साउंड इज नाउन इज। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम हर्ट और लंग साउंड सुनते हैं उसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप, सो इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67, एन असेसमेंट टेक्निक डेट इज़ यूज टू असेस द लंग साउंड इज। जो असेसमेंट टेक्निक हम यूज करते हैं लंग साउंड को सुनने के लिए उसे हम कहते हैं ऑस्कल्टेशन, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68, द नर्स मस्ट प्यूरीफाई द क्लाइंट
identify the poor administration of medication, which of the following is the safest way to identify the client. So इसका जो correct option है वो हमारे पास है check the client identification band. B is the correct option. Question number 69. All of the following are the characteristic of the nursing process except. इसमें से सारे nursing process की characteristic है एक के अलावा. So इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, ये हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस की करेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी यूनिवर्सल प्रोसेस भी है, डायनामिक प्रोसेस भी है और सिस्टमेटिक प्रोसेस भी है. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 70. यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द एजिंग. इन इंटरवेंशन यूज बाय नर्सेस टू असिस्ट क्लाइंट टू रिगेन और मेंटेन कंटिनेंस विद इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम विल नॉट इंक्लूड. इन फोर ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट नहीं है जो हम यूज़ करें इनकॉन्टिनेंस को ठीक मेंटेन करने के लिए. सो ब्लेडर ट्रेनिंग हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 70. यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग. इन इंटरवेंशन यूज बाय नर्स टू असिस्ट क्लाइंट टू रिगेन और मेंटेन कंटिनेंस विद इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम विल नॉट इंक्लूड. सो इन फोर ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है जिससे हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को मेंटेन कर सकते हैं, वो हमारे पास है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन. सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. बाकी प्रमोट वाइडिंग, ब्लेडर ट्रेनिंग, हैबिट ट्रेनिंग, इससे हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को मेंटेन कर सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.